दोस्तों कहते हैं कि जब इंसान के अंदर हिम्मत होती है तो अल्लाह की मदद भी उसके साथ होती है इसी तरह बात करेंगे आज हम शेहाब भाई की शेहाब भाई ने अपना सफ़र शुरू किया केरला से और उन्होंने ये हिम्मत बांधी कि मुझे अल्लाह की राह में सफ़र करना है मुझे अल्लाह की राह में जाना है और वहाँ से हज करके आना है यानी पैदल इतना बड़ा डिसीज़न लेना ये एक बहुत बड़ी बात है और कहते हैं कि जब इंसान हिम्मत करता है तो अल्लाह की मदद भी उसके साथ होती है शयाब भाई रेगुलर बेस पर चलते रहें चलते रहें और यहाँ तक कि वो काफ़ी दूर तक पहुँचे उनके साथ जब प्रॉब्लम आई पाकिस्तान बॉर्डर पे पहुँचे और वहाँ पर उन्हें रोक लिया गया वहाँ पर उन्हें काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा वहाँ पे इनको चार से पाँच महीने लग गए और ये वहाँ के लोग कहने लगे कि शयाब भाई अब आपको वापस चले जाना चाहिए क्योंकि काफ़ी टाइम यहाँ पर गुज़र चुका है शेब भाई ने कहा नहीं मैं अज़्म मुसम्म के साथ आया हूँ मैं आगे बढ़ते रहूँगा और मैं पीछे नहीं जाऊँगा पाकिस्तान से शेब भाई ने प्लेन किया और ईरान में उतरे ईरान में इतनी ज़्यादा बर्फबारी थी और बहुत ज़्यादा वहाँ पर बर्फ़ गिर रही थी शयाब भाई उसी बर्फ़ में चलते रहे और वो हिम्मत नहीं हारे शयाब भाई ने अपना पूरा एक मैपिंग की थी कि हम कितने किलोमीटर चल सकते हैं और इससे पहले उन्होंने चलने की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की और वो एक एक दिन में 50 से 60 किलोमीटर का सफ़र तय किया उन्होंने अगर हम पाकिस्तान की बात करते पाकिस्तान के लोगों ने उनके साथ बहुत खुश हुए जब शिब भाई पाकिस्तान पहुंचे, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें ज़्यादा रुकने का मौका नहीं मिला पाकिस्तान में सिर्फ वो तीन दिन ही रुक पाए फिर उसके बाद अब शयाब भाई इराक पहुंचने वाले हैं और ये बहुत ज़्यादा खुशी की बात है उन्होंने पाँच हज़ार से भी ज़्यादा किलोमीटर तय कर लिया है अब उम्मीद है कि बहुत जल्दी वो शहाब भाई भी इन सारी चीज़ों को तय करके और अपना जो मकसद लेकर वो निकले हैं उस मकसद में कामयाब हो जाएंगे शहाब भाई का ये सफ़र अल्लाह ताला आसान करे और वो अपने मकसद में कामयाब होकर आए आपको शहाब भाई के बारे में क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा शहाब भाई हज कर पाएंगे क्योंकि अभी तीन महीने बाक़ी हैं और तीन महीने में ये सफ़र तय करना है तो गाइस कमेंट करिए और शिया भाई के बारे में क्या कहना है और उनके लिए दुआ भी कीजिए तो मिलते हैं इस नेक्स्ट वीडियो में